सिंगरौली मोरवा रेलवे परेवा नाला पुल के पास तैनात चौकीदार को बकाया वेतन मांगना बड़ा महंगा। एरिया में पदस्थ आरपीएफ इंस्पेक्टर ने किया जानलेवा हमला। चौकीदार मालखान साकेत के बाएं हाथ की हड्डी टूट गई। बताया जा रहा है कि मलखान सिंह जो कि चौकीदारी का काम करता है उसके बच्चों की तबीयत खराब होने से उसके बकाया 3 महीने का वेतन मांगा था, जिस पर आरपीएफ इंस्पेक्टर दीपक ने लाठी डंडे से चौकीदार की पिटाई कर दी, साथ ही गाली गलौज देते हुए चोरी में फंसाने की धमकी दे दी। घायल ने थाने जाकर एफआईआर दर्ज कराई। सिंगरौली से ग्राउंड रिपोर्टर उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।